यूरोप दौरा खत्म कर लौटे पीएम मोदी, टीकाकरण पर 40 से ज्यादा जिलों के अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने की शुरुआत, आरती और लेजर शो की प्रदर्शनी, आज 12 लाख दिए जलाकर बनेगा रिकॉर्ड। नौसेना के सबमरीन की गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, 6 लोगों पर चलेगा मुकदमा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,903 केस दर्ज, 311 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली, देशभक्ति की धुन पर किया जमकर डांस। काबुल अस्पताल हमले में मारा गया तालिबान का टॉप कमांडर मौलवी मुखलिस। COP26 में बाइडेन बोले, सम्मेलन में शामिल नहीं होना जिनपिंग की बड़ी गलती, वहीं चीन ने इस पर कहा हमें वीडियो लिंक नहीं मिला। इस धनतेरस बाजार में बड़ी रौनक, लोगों ने जमकर की सोने की खरीदारी, 75 करोड़ रुपए का बिका गोल्ड। पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। दुबई में एक दिन पहले रिलीज नहीं होगी अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी।